you all know that the parents of the students, those who are studying medical and others technical education, they are in Ukraine and different cities. And during this war situation, the parents of Sambalpur, those who have sent their son and daughter for the higher education to Ukraine, now they are very much worried about the situations. And by the way, today we let we meet our one of the senior BJD leaders, Mr. Aju Azimji, and his elder son. सर आपका बड़े बेटा का नाम आप बताइए सर. मेरा एक ही बेटा है जकीर जमान. हाँ जकीर जमान हैड बीन टू यूक्रेन फॉर मेडिकल ना फॉर एंड ही स्टार्टिंग देयर इन एमबीबीएस कोर्सेज देयर हार्विक मेडिकल इन हार्विक मेडिकल कॉलेज इन यूक्रेन एंड इन दिस पर्टिकुलर वॉर सिचुएशंस विद यूक्रेन एंड रसिया. The innocent students, those who have gone there for a study purpose, they not able to return, and some people's not preparing to leave the country. Actually, what is the situation there? Mr. Aju has already talked with his son. Let we know from him. Sir, आपका परिचय दीजिए सर थोड़ा. मैं मोहम्मद अजीमत जमान. सर तो आपका बेटा, your elder son. उन्होंने आपने भेजा उनको यूक्रेन पढ़ने के लिए? कब भेजा था सर? दिसंबर में भेजा था. दिसंबर में भेजे तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर? अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बाहर का सदन है, उसको 24 तारीख रिटर्न हो रहा था, बैक कर रहा था, बाहर दुबई होके भुवनेश्वर आ रहा था, और उसके लिए अलग मैसेज से डिक्लेयर हो गया. तो अभी यानी जो चाय आपका वो अभी जो अभी जो आपका रसिया एंड आपका यूक्रेन का जो वार हो रहा है, नाउ दे आर ऑल कमिंग आउट फ्रॉम दैट कंट्रीज टू देयर ओन कंट्री. ठीक है ना? तो आप भी अपने बेटे के लिए जरूरी आप जरूर ही वरिड होंगे जरा बाकी पेरेंट्स हैं. तो सर अभी क्या हाल है, यानी वो कहाँ पर हैं? और पैनिक है सर, बहुत डरे हुए बच्चे. हाँ वो खारविक से आ गए थे आपका कीप में से, कीप से उन लोगों को कल रात को बोला गया कि आपको यहाँ से बैकअप कर लीजिए, किसी तरह में कुछ अटैक हो सकता है. तो वो लोग कीप से चले गए बुल्गारिया बॉर्डर, वहाँ बुल्गारिया बॉर्डर से करीब अभी 400 किलोमीटर दूर में है, अभी जस्ट बात हुआ था मेरा. तो वहाँ पर बुल्गारिया पहुँचने के बाद भी इमिग्रेशन टेस्ट होगा, चेकअप होने के बाद वो कल फिर जो कुछ डिसाइड होगा कब आएंगे. तो आपका बुल्ला का, आप तो सर बुल्ला में रहते हैं ना सर, आपका बुल्ला से कितना स्टूडेंट्स है वहीं से हैं? चार बच्चे तो मेरा नॉलेज में है. कौन कौन आपको किसका नॉलेज है? तो सोमिया करो है और नाम मैं रश्मिता मैडम, रश्मिता मिश्रा उनका बेटी भी है, ये भी स्कूल का प्रेसिडेंट प्रिंसिपल है, उनका बेटी भी है, और आप दो बच्चे और भी हैं. अच्छा तो संबलपुर से 116 बच्चा है यानी एंटर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से. तो सर बताइए कि अभी जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ दिन पहले एक डिक्लेरेशन किया कि जिसको आना है आ जाओ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था उस समय निकल लेना चाहिए था, आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई चल रहा था और कॉलेज अथॉरिटी जो था यूनिवर्सिटी अथॉरिटी वैसा कुछ बोले नहीं थे. अच्छा बोले कुछ नहीं सब ठीक है, नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा. और हमारा एम्बेसी की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था सर, लास्ट मोमेंट में दिया गया कि अपना जल्दी आज निकलना चाहते चले आओ, यानी पहले उन लोग इंटीमेट नहीं किया प्रॉपर, यानी इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि आप चले जाओ, जा सकते जा सकते हैं ऐसा दिए थे. और अभी लेकिन बोल रहे हैं कि आप चले जाओ, आप चले जाओ. तो उस समय जब जिसको बोल रहे थे कि आप चले जाओ, जब बोले अभी, तो अभी क्या टिकट कर गया, कोई सुविधा है यहाँ पर जो फ्लाइट की टिकट के लिए? अभी सुविधा तो नहीं है, सुविधा उड़ीसा गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट में कर रहे हैं. अच्छा आपको तो पता भी होगा शायद, भारत सरकार भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी फ्री का बात नहीं कहता, करके उनको निकलने के लिए वहाँ पर सुविधा होना चाहिए. अभी वो अपना अपना जगह से बॉर्डर पहुंचना बहुत जरूरी है, चाहे बुल्गारिया हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, ये सब जगह में जब तक नहीं पहुंचेंगे तो सुरक्षित नहीं होते. तो सर एक बात बताइए कि आप बता रहे थे कि कुछ पेरेंट्स के पास ये भी कंप्लेंट था कि वहाँ पर टिकट, यानी जो आने का चाहता था बीच में जब आपका बम ब्लास्ट ये हो रहा था, तो उस समय टिकट का भी रेट बहुत ज्यादा कर दिए थे इंडियन, ये मोनोपोली था, 1 लाख से ऊपर चल गया था टिकट. अच्छा तो ओरिजिनल रेट है 32,000. 32,000 है तो 1 लाख से ज्यादा चले गया था, ब्लैक हो रहा था, यानी ब्लैक हो रहा था. अच्छा सर और एक बात बताइए, इसमें ये जो अभी का जो सिचुएशन सिनेरियो जो है, तो अपना जो चीफ मिनिस्टर है उनका क्या रोल है यहाँ पर? कुछ तो उनका वो तो सबसे सीनियर, माने अगर सबसे अच्छा रोल अगर है तो नवीन बाबू का है.
चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, क्यों हम उनका रोल अच्छा बनेंगे? सबसे पहले बोल दिया कि हमारा बच्चा तो हम लाएंगे, उसका पूरा फेयर अब कोर्ट जो है हम लेंगे उड़ीसा सरकार। पहले जो बच्चा आ रहे थे यूक्रेन से, क्या गवर्नमेंट उनसे पैसा ले रहा था? वो तो अपना नहीं, पहले जो बच्चा जो आपने जो आपका तो ऑर्डर डिक्लेयर बाय द एम्बेसी जो रहना चाहता रहे बाकी सब चले जाए, तो उन लोगों गवर्नमेंट भारत सरकार ने भारत सरकार फ्री नहीं ला रहा था। तो आप ये भारत सरकार का काम है ना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आपका आपका डिक्लेरेशन अब नवीन पटनायक सीएम ऑफ ओडिशा, भारत सरकार ने भी बोला कि हम सब बच्चे को फ्री लाएंगे, पहले नवीन बाबू स्टेप भी, उसके बाद भारत सरकार भी है। तो अभी आपका बेटा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, और वहाँ पर जा और जो सारे बेटे के साथ सभी को चाहते हैं, हाँ क्या देना चाहते हैं सर, मैसेज क्या देना चाहते हैं? नहीं वो तो आएंगे सर, लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहते हैं उनको, बेटा को? हाँ आपका बेटा और बाकी जो भी हैं सब, तो आपका ही बेटा है, जहाँ पे घर के साथ रहे और पूरा डिसिप्लिन के साथ आए, कोई किस्म का माने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उनको, जब अपने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में फिर आ जाएंगे। वेल डियर फ्रेंड, एज यू नो दैट मिस्टर अजू अजीम हैज स्टेटेड and you have shown the you might have seen the verdict of the father, his son is there in the war zone, and he now appealing all his son and others students, those who have belongs to Sambalpur and the whole of these countries, let they be save themselves first, and then after by taking opportunities of the local civil governments and local army and others army, they should be come to the local border area of the nearby neighbor countries, and from there they will be come out return back to their own countries. Theek hai, thank you very much sir for your kind share of your feelings with us, Mahanadi Time Media Production. Thank you very much sir. Thank you. Mu Sri Jugal Kishor Satpathy, father of Ayusha Satpathy, je ki Kharkiv National Medical University re pancham varsha ra doctori chhatri, ସେମାନେ ମୋ ଝିଅ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସେଠିକାର ଯାହା ପରିବେଶ ତାହା ବିଲକୁଲ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଖାର୍କିବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଚିରୋପକୃତ ରହିବୁ।